अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हज़ारों लोग कहते हैं कि मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, उस पर वीडियोस अपलोड करना चाहता हूँ, अपना बिजनेस करना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और साथ साथ पैसा भी कमाना चाहता हूँ। तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छी तरीके से आप अपना बिजनेस करवा सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन ख़ासकर एक डाउट लोगों को आता है, और वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूब चैनल जो है वो लैपटॉप चाहता है, उस पर जो चैनल है वो यूज़ करने के लिए आप लैपटॉप की ज़रूरत पेश होती है, और साथ साथ हम जो चैनल बनाते हैं वो लैपटॉप पर बनाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आज मैं एक अच्छी तरीके से आपको सिखाऊंगा, और बेहतरीन वीडियो के साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से अच्छी तरीके से यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करेंगे, उस पर वीडियोज़ कैसे अपलोड करेंगे, और साथ साथ थंबनेल कैसे लगाएंगे, वीडियो के पीछे जो है वो टैग कैसे लगाएंगे ताकि आपकी वीडियो वायरल हो जाए जल्द जल्द जल से। तो आप अच्छी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन शर्त ये कि यूट्यूब चैनल की जो आप बनाते हैं, आप क्रिएट करते हैं यूट्यूब पर अपना चैनल, तो इसके लिए एक और ऐप जो है उसकी ज़रूरत 100% पेश होगी। आप यूट्यूब के साथ साथ उस ऐप को भी ज़रूर इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है YT स्टूडियो, यानी कि यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब चैनल जब आप बनाएंगे तो उसी के साथ ज़रूर यूट्यूब स्टूडियो भी आप ऐप जो है प्ले स्टोर पर बिल्कुल अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ये भी बिल्कुल ज़रूरी है आप अपनी वीडियोज़ के लिए यही ऐप जो है यूज़ करेंगे, क्योंकि जब लोग YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद आप सीधा जाएंगे फौरन YouTube स्टूडियो में आप सीधा जाएंगे, वहाँ से आप अपनी जो YouTube आपने जो वीडियो अपलोड की है उसकी जो थंबनेल होती है उस थंबनेल को आप YT स्टूडियो से फिट करेंगे कि वो कैसे आएगी। शुरुआत में आप वही थंबनेल YT स्टूडियो से बिल्कुल फिट करेंगे, बाकी जो लोकेशन है और टैग्स है वो भी आप YouTube स्टूडियो से बनाएंगे। अपना चैनल जो है वेरीफाइड होती है, आप वही चैनल जो वेरीफाई करेंगे वही भी आप YouTube स्टूडियो से बनाएंगे। तो इस YouTube स्टूडियो के लिए बहुत से लोग जानते भी नहीं कि YouTube स्टूडियो कैसे है, क्या होती है, वो यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन ख़ासकर बस YouTube चैनल बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन YouTube स्टूडियो से खबर नहीं होती। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube स्टूडियो को कैसे होती है, क्या होती है, या आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में जल्द अज जल्द आप स्किप ना करें, और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आप YouTube चैनल कैसे क्रिएट करेंगे, उस पर वीडियोस कैसे अपलोड करेंगे, इसके बाद वीडियो अपलोड करने के बाद आप YT स्टूडियो कैसे जाएंगे, वहाँ टैग्स कैसे ऐड करेंगे, लोकेशन कैसे ऐड करेंगे, थंबनेल कैसे ऐड करेंगे, और वो भी सिंपल आपके जो हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं, जीप की में जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वही मोबाइल फ़ोन से, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से मैं आपको सिखाऊंगा अच्छी तरीके से। तो चलते हैं गाइस बिना टाइम वेस्ट की, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए, मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप कैसे यूट्यूब स्टूडियो और साथ साथ यूट्यूब पर अपना चैनल कैसे क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, मैं आया हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर लेंगे। तो ये है जो दोनों ऐप्स हैं मेरे पास, ये है, आप सब यूट्यूब चैनल के लिए क्रिएट कर यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ये नंबर एक वाला जो है यूट्यूब है, दूसरा है यूट्यूब स्टूडियो। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपनी यूट्यूब एप्लीकेशन पर, मैं इसे खोलता हूँ, अब मैं अपना डेटा जो है वो भी ऑन करता हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल जो है वो खोल दिया। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप सीधा जाएंगे अपने अपने जो अकाउंट है उस पर। अकाउंट जाने के बाद आप सीधा जाएंगे, ये आप देख रहे हैं योर चैनल, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो इसके बाद सबसे पहले आप यहाँ इस पेंसिल वाले आइकन जो है इस पर क्लिक करेंगे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप ये जो वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, ये पेंसिल वाले ऑप्शन पर। यहाँ से आप अपना यूट्यूब जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा ईमेल नेम था। अब मैं इसे कोई नेम देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं नेम देता हूँ
टेक्निकल टेक्निकल नेमतुल्ला, जो ये नेम मैंने दिया अपने चैनल को। यहाँ इसके बाद आप ओके वाले ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका चैनल का जो नेम है वो फिलहाल कंप्लीट हो गया। अब आप इस पर अपना जो प्रोफाइल है यही अपलोड करेंगे। तो प्रोफाइल अपलोड करने के लिए आप सिंपल इस कैमरे वाले निशान ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगर यहाँ आप सीधा फिगर उस वक्त क्रिएट निकालना चाहते हैं तो आप इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कैमरे वाले पर। अगर आप गैलरी से कोई पिक लाना चाहते हैं तो आप नीचे वाले सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फ्रॉम गैलरी से। यहाँ इसके बाद आप अपना कोई पिक ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने अपना ये पिक जो है वो ऐड कर लिया। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये पिक अपनी यूट्यूब पर प्रोफाइल पर ऐड कर लूँ। तो इसके बाद आप सीधा ऊपर सेफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो थोड़ा लोडिंग होने के बाद आप देखेंगे कि मेरा जो प्रोफाइल है वही अपलोड हो गया। अब इसके बाद आप अपना कवर फोटो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो फिर आप सीधा दोबारा जाएंगे कैमरे वाले ऑप्शन पर और यहाँ आप जाएंगे चूज योर फ्रॉम योर फोटो। इधर से मैं कवर फोटो बनाने के लिए ये वाला पिक मैंने बनाया है स्नैप पर, इस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल मैंने ये पिक कर लिया। इसके बाद आप सीधा सेफ वाले ऑप्शन पर, तो थोड़ा लोडिंग करेगा। इसके बाद आपको देखेंगे कि मैंने कवर फोटो जो है वो भी अपलोड कर लिया। तो फिलहाल गाइस आपका चैनल जो है वो क्रिएट हो गया बहुत अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से मोबाइल फ़ोन पर। अब अगर आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो वीडियो अपलोड करने के लिए आप सिंपल ये जो प्लस वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यह आपको दो तीन ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ये है शॉर्ट वीडियोस के लिए। मिसाल के तौर पर जब हम स्टोरीज अपलोड करते हैं, स्टेटस अपलोड करते हैं, तो यही स्टेटस शॉर्ट क्लिप्स वीडियो के लिए यही आप ये वाला ऑप्शन जो है यूज़ कर सकते हैं। जब आप शॉर्ट वीडियो कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो आप शॉर्ट क्रिएट अ शॉर्ट इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई बड़ा वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, अच्छी वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर अपलोड अ वीडियो इस पर क्लिक करेंगे और अपना वीडियो अपलोड कर लेंगे। अगर आप कोई लाइव वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं, मसलन बनाते बनाते आप वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अपलोड भी कर सकते हैं और वही लाइव भी बनाते हैं, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इससे थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल मैं वीडियो को या भी अपलोड नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसके बाद जब आप कोई वीडियो अपलोड करें तो सीधा आप यहाँ से जाएंगे, मैं वापस चलता हूँ। फिर आप यहाँ से इसके बाद ये आप देख रहे हैं वाईटी स्टूडियो यानी कि यूट्यूब स्टूडियो। वीडियो अपलोड करने के बाद सीधा आप जाएंगे यहीं इस एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद आपको ये मेरा दूसरा चैनल की जो वीडियोज है आप देख रही है, इस तरह आपको इंटरफेस आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ मिसाल के तौर पर मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप सीधे इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ ये जो पेंसिल वाला आइकन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पब्लिक वाले पर ऑप्शन है जो अपना वीडियो है अनलिस्ट भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना पब्लिक कर दिया है। आप भी अपना पब्लिक करेंगे। इसके बाद आप तो ये जो तड़ वाला ऑप्शन है आप देख रहे हैं कि यूट्यूब वाला आपसे पूछता है कि आपकी जो वीडियो है वो किड्स के लिए यानी कि बच्चों के लिए बनाती है या बच्चों के लिए नहीं बनाती है। तो आप जो ये जो सेकंड वाले ऑप्शन है इस पर आप ज़रूर हर वीडियो में क्लिक करेंगे। अगर आप किड्स की नेक से बगैर अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं फिलहाल बैक हो जाता हूँ क्योंकि मेरी मेरी दूसरी चैनल्स की वीडियोज़ हैं। इसके बाद आप ये जो लास्ट वाले ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप टैग लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो पर टैग लगाई है ये आप देख रहे हैं, ये टैग मैंने लगाई है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप सीधा ऊपर सेफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आप थंबनेल बना सकते हैं। यहाँ पर जो पेंसिल वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ से आप अपना थंबनेल बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस बार डन और डन करने के बाद आप शुरू कर सकते हैं। तो गाइस बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ मैंने आपको सिखाया बहुत सिंपल तरीके से
अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से सब्सक्राइब करना और साथ साथ बेल आइकन भी दबाना, ताकि हमारे जितनी भी नई अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।